दोस्तों, नम आंखों से दिनेश कार्तिक की हुई भावुक विदाई। थम गया आईपीएल का सुनहरा सफर। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को उनके आखिरी आईपीएल मैच में नम आंखों से विदाई मिली। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मैच में कार्तिक की टीम आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद वह उदास चेहरे के साथ वापस पवेलियन लौटे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, भारत के स्टार विकेटकीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के आईपीएल कैरियर पर विराम लग गया है। कार्तिक ने अपने आखिरी आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में आरसीबी के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। इस सीजन के शुरुआत से पहले ही दिनेश कार्तिक ने यह घोषणा कर दी थी कि उनका आखिरी आईपीएल सीजन होने वाला है। वहीं एलिमिनेटर मैच में आरसीबी को मिली हार के बाद जब वह वापस ड्रेसिंग रूम में लौट रहे थे तो उन्होंने अपने ग्लव्स को हाथ में लेकर दर्शकों का अभिवादन किया। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने आईपीएल कैरियर का अपना आखिरी मैच खेल लिया। दोस्तों, 38 साल के दिनेश कार्तिक ने रोमन पावेल द्वारा राजस्थान के लिए विजयी रन बनाने के बाद विराट कोहली के साथ गले मिले। उन्होंने पूरे सीजन में इस बात का संकेत दिया था कि आईपीएल 2024 उनका आखिरी सीजन होने वाला है। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ 4 विकेट से मिली हार के बाद आरसीबी के साथियों ने दिनेश कार्तिक को भावुक विदाई भी दी। यह आरसीबी के सितारों के लिए निराशाजनक शाम थी क्योंकि उनका शानदार प्रदर्शन थम गया। वहीं सीजन के बीच में आरसीबी अंक तालिका में सबसे नीचे था। उसने 8 मैचों में से केवल एक मैच में जीत हासिल की थी। हालांकि आरसीबी ने लगातार 6 जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बनाई, जिसमें 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराना भी शामिल था। दोस्तों, शानदार रहा है दिनेश कार्तिक का कैरियर। दिनेश कार्तिक आईपीएल में कुल 257 मैचों में मैदान पर उतरे, जिसमें उन्होंने 4842 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 22 अर्धशतक भी लगाए हैं। कार्तिक आईपीएल के इतिहास में शीर्ष 10 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं। खासकर आरसीबी में शामिल होने के बाद कार्तिक का खेल और निखर कर दुनिया के सामने में आया। दोस्तों, विकेटकीपर बल्लेबाज ने कमेंट्री के अपने काम और आईपीएल की तैयारी को बखूबी संभाला क्योंकि वह 2022 के T20 विश्व कप के बाद से नियमित रूप से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं थे। साल 2022 में कार्तिक ने आईपीएल में गजब का खेल दिखाया था। वहीं इस सीजन में उन्होंने 183 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए थे। उनके इस दमदार खेल के कारण ही उन्हें भारत के लिए T20 विश्व कप टीम में चुना गया था। कार्तिक ने आईपीएल 2024 में भी अपने खेल से कमाल किया। इस सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 326 रन बनाए। दोस्तों, आईपीएल में कुल 6 टीमों के लिए खेले कार्तिक। आईपीएल में कार्तिक कुल 6 टीमों के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने 2008 में दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 2011 में किंग्स 11 पंजाब में चले गए। इसके बाद उन्होंने मुंबई के साथ 2 सीजन बिताए और 2014 में वापस दिल्ली चले गए। दोस्तों, आरसीबी ने उन्हें 2015 में खरीदा था और 2016 और 17 में गुजरात लायंस के लिए खेले। फिर 4 सीजन केकेआर के साथ खेले और वहाँ पे उन्होंने कप्तानी भी की। फिर कार्तिक 2022 में आरसीबी में वापस आए और फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई। दोस्तों, उन्होंने मेहनत, स्ट्रगल और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लमों से निकलकर खुद को जो निखारा वो काबिले तारीफ है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।